आप देख रहे हैं माई काइंड ऑफ प्रोडक्शन, जहां हम रेस्टोरेंट की किचन से जाके आपके लिए रेसिपीज लाते हैं, स्ट्रीट से आपके लिए रेसिपी ले आते हैं। और इस फूड ब्लॉग में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं तवा फिश फ्राई की रेसिपी। और ऐसे बहुत सारी रेसिपीज हमारे चैनल पर है, तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें। सो गाइज, दिस इज द फर्स्ट क्रॉस लेन ऑफ लोखंडवाला। यहाँ पे अंदर हो गए डोमिनोज पिज्जा, और डोमिनोज पिज्जा के एग्जैक्टली ऑपोजिट है गोवन कैफे। दे सर्विंग सम यमी मालवानी एंड गोवन क्यूजीन, एंड इनका मैंने पहले भी रेसिपीज कवर किया था। हाय गाइस, लापो, हाँ हाय गाइस, माय नेम इज मोहसिन खान, यू वाचिंग माय काइंड ऑफ प्रोडक्शंस। एंड मैं क्या करता हूँ, मैं स्ट्रीट फूड कवर करता हूँ, रेस्टोरेंट फूड कवर करता हूँ, एंड नॉट ओनली आई ट्राई द फूड बट आई ऑल्सो शेयर द रेसिपी लाइव फ्रॉम द रेस्टोरेंट किचन। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आज आप पहली बार देख रहे हैं, और पहले देख चुके हैं तो पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि अब यमी यमी गोवन क्यूजीन्स आपके किचन में आने वाली है, इनके किचन से। क्या नाम है भाई आपका? राजू पांडे। राजू पांडे, पांडे जी चलो दरवाजा खोल दो यार। क्या क्या है? आहा, पांडे जी ने दरवाजा खोला और ये हम अंदर आ गए। एंड आपका नाम? यू आर द मैनेजर? यस, हाय। एंड ये वाली घड़ी मेरे को याद है यार, मस्त वाली घड़ी है। अच्छा, इन लोगों को कुछ वैलेंटाइन स्पेशल ऑफर भी चल रहा, तो हाँ प्यारी प्यार है, क्या बात है। सो दिस इज अ वैलेंटाइन स्पेशल ऑफर, 10% आपको ऑफ भी मिल जाएगा, ज़रूर आइएगा। और ये क्या लिखा है? मालवानी चिकन पॉप्स और क्या है? पॉम्फ्रेट फ्राई। तो अगर गोवन कैफे आया है, पॉम्फ्रेट फ्राई और मालवानी चिकन पॉप्स कवर करते हैं, चलते हैं अंदर इनके किचन में। अब किचन में हम एंटर कर रहे हैं, नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज किचन। हमारे साथ कौन है, क्या नाम है आपका? नहीं अभी बताइए माइक में। महफुल ना? हाँ। महफुल जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये पापलेट आपने अच्छी वाली ली है, फ्रेश है ये? हाँ सर, फ्रेश है। ये क्या कर रहे हो, चीरी मार रहे हो? हाँ, चीरा मार रहे हो पापलेट में। ओके, ऑल राइट। और ये आपके नंबर्स हैं यहाँ गोवन कैफे के, आप ऑर्डर करिए, सपोर्ट योर लोकल रेस्टोरेंट्स। तो देखते हैं अब रेस्टोरेंट कैसे बनाते हैं पापलेट फ्राई। क्या क्या कर रहे हैं अभी? इसको मैरिनेट करना पड़ेगा ना, नींबू डाल रहा हूँ। अरे पहले ही नींबू मार दिया आपने, क्या बात है। उसके बाद नमक डाल रहा हूँ। नमक, नमक डाला है? हाँ। और ये क्या डाल रहे हैं? हल्दी, हल्दी पाउडर डाला है। हल्दी पाउडर, अब क्या डाल रहे हो? धनिया पाउडर। धनिया पाउडर, ओके। उसके बाद मिर्ची पाउडर डाल रहा हूँ। मिर्ची पाउडर, उसके बाद जीरा पाउडर डाल रहा हूँ। जीरा पाउडर डाल दो। हाँ, इसके बाद अदरक पेस्ट डालना। ये क्या है? अदरक पेस्ट। अदरक और लहसुन, अदरक पेस्ट ही है ना, लहसुन का नहीं? हाँ, अदरक लहसुन का पेस्ट है। अदरक लहसुन का पेस्ट है। अच्छा, इसको मिक्स करना। इसको अच्छे से मलना है था। ये सारे मसाले तो आराम से आपके घर पे अवेलेबल होते हैं। इसको 5 मिनट ऐसे रहने देते हैं। अभी 5 मिनट इसको ऐसे ही रहने देते हैं, मसाला लगा के दिखा दो। हाँ, ऐसा रहना है। तो ये अभी हमने मसाला लगा दिया है, अभी अभी क्या कर रहे हैं, अभी इसके पेस्ट बनाने वाले हैं। हाँ, तवा का पेस्ट बनाना, तवा फ्राई कर रहे हैं, उसका पेस्ट बनाना है। बनाइए, चले। मिक्सर में क्या क्या डाल रहे हैं अभी देखते हैं। इसमें अदरक डाला है। अदरक कितना है? ये 6 पीस है। 6 पीस छोटा छोटा, ओके। और लहसुन डाला है 10 पीस। 10 पीस लहसुन, 5-6 पीस कश्मीरी चिल्ली डाला है। अरे एकदम मसालेदार बनने वाली है आपकी फिश। और हरा मिर्ची डाला 4 पीस। तीखी भी बनने वाली है, क्या बात है। अखा धनिया डाला है इसमें। अखा धनिया, ये क्या? अजवाइन डाला है। अजवाइन है, काली मिरी डाल दिया। काली मिरी, ये मसाला तो एकदम सीक्रेट आपने बता दिया। अक्का जीरा डाल दिया। अक्का जीरा भी डाल दिया, वेरी गुड। इसमें खटास भी आ गई, इमली आ गई। इमली डाल दिया। टैमरिंड, थोड़ा सा हल्दी इसमें, और थोड़ा थोड़ा बोल के सब कुछ डाल दिया हमने। हल्दी भी आ गई इसमें। इसको बाद में अभी ग्राइंड करने जा रहे हैं। इसमें पानी वानी कुछ जाएगा? हाँ, थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा। पानी डालना पड़ेगा थोड़ा। ओके, हल्का सा पानी जा रहा है इसमें। ये हो गया मसाला रेडी? नहीं सर, अभी इसमें राइस डालना पड़ेगा। ये चावल है? भीगा, सादा चावल है, भीगा के रखा है। भीगा के रखा है, कोलम राइस। हाँ, चावल भी आता है यार। अच्छा, इससे अभी और क्रिस्पी भी हो जाएगा ना चावल की वजह से।
ये देखो ये छोटे छोटे सीक्रेट्स है ना, इसके लिए बोलता हूँ वीडियो स्किप ना करें। हाँ ऑन कर। ये हो गया दिखा दो कितना पतला होना चाहिए। देखो गाइस ज़्यादा पानी नहीं डालना आप लोग को, इतना ऐसा इतना गाढ़ा होना चाहिए ना आपका। हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए पेस्ट। सो दिस इज द कंसिस्टेंसी, इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये तो सीक्रेट मसाला बता दिया आपने हमको, वाह क्या बात है। अभी ये क्या सीधा मसाला अब हम लगाने वाले फिश पे। ये फ्रिज में भी रख सकते हैं ना, ज़्यादा बन गया तो मसाला खराब नहीं होता ना। फिश पे मेरे को लगता है प्रॉन्स पे जो भी फिश अवेलेबल है आपकी एरिया में। हमने फिलहाल पॉम्फ्रेट लिया पापलेट फ्राई। सो वंस अगेन गाइस मैं वापस आ गया हूँ आप लोगों के सामने यही कहने कि महफूल अब अपना जो सीक्रेट मसाला ये भी इन्होंने अपने साथ शेयर कर दिया है, तवा फ्राई का, पॉम्फ्रेट तवा फ्राई। बट ये कोई और फिश के साथ भी यूज़ कर सकते हैं ये मसाला, प्रॉन्स में भी डाल सकते हैं, कांगड़ा सुरमई जो आपके एरिया में अवेलेबल है बोमिल पे भी आप यही मसाला लगा सकते हैं। सो डोंट स्ट्रेस। एंड जो हमारे इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं अमेरिका में, अगर पॉम्फ्रेट नहीं है आपकी एरिया में, लोकल एरिया में, सो यू कैन यूज़ दिस मसाला फॉर एनी फिश। ओके और एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, सो इट्स देयर इन द किचन, सपोर्ट द चैनल, जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड या सपोर्ट ए लोकल रेस्टोरेंट्स ऑल्सो। चलिए हो गया तवा रेडी, ऑयल ले रहे राइस आटा नहीं रहेगा तो रवा भी ले सकते क्या? इसमें रवा भी है। राइस और क्या क्या है इसमें वो तो बताइए आप। रवा है, राइस आटा है। राइस और रवा दोनों मिक्स है। मिक्स है। देखो ऐसा खजाना अच्छी बात यह है कि ऑयल बहुत डिसेंटली यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ किया है। और क्या खुशबू आ रही है यार महफूल जी, बहुत बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है यार, मज़ा आ गया। और ये हमारा जो पॉम्फ्रेट फ्राई है ये रेडी हो गया। सो गाइज व्हाट टाइम इज इट भाई, इट्स माई फेवरेट टाइम जब मैं ये तवा पॉम्फ्रेट खाऊंगा और आपको बताऊंगा इसका स्वाद कैसा है। एंड ये अब आपको गोवन कैफे में मिल जाएगा। अली कितने का है ये? 329। यार मतलब पॉम्फ्रेट 329 में मिल रहा है और ये मुंबई में मिल रहा है और ये अच्छा खासा बड़ा पीस आपको दिया गया है। एंड लुक एट दिस, मछली जल की रानी है, इसको तल के खानी है। एंड अब मैं इसको खाने वाला हूँ, ऐसे थोड़ा सा अपन ब्रेक करेंगे और आपको आ करो आ करेंगे। मैं खा लेता हूँ। स्मूथ मस्त है, मस्त है मैन, आई मीन गोवा मैन। सो आई वांट टू टेल यू व्हाट, वेरी स्मूथ ऑन द पैलेट। आप बोलेंगे खाने के बाद अरे इतना मसालेदार है, अरे इतना स्पाइसी नहीं। हाँ पर आप एक चीज़ पूछोगे तो बहुत टेस्टी है। और इन्होंने जो मसाला लगाया ना ऊपर, ये देखो ना ये ब्राउन ब्राउन जो इसकी स्किन पे है, लुक एट दिस मसाला ना, इसका स्वाद आ रहा है। और चीरी मार के अंदर भी मसाला अच्छे से गया है। अच्छा बहुत ऑयली नहीं है, जैसे कि आपने देखा इन्होंने बहुत कम ऑयल यूज़ किया था। एंड फिश जो है बहुत ही फ्रेश है। तो कहूँगा कि थाली लीजिएगा, थाली में यहाँ पर यार देखो इनकी थाली भी देख लो यार, थाली कितने की है अली? थाली है 429 की थाली है। ओ